भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर निरंतर रूप से भिलाई निगम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में निगम आयुक्त ने वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 14 शांति नगर पहुंचे। वहां उन्होंने मोहल्ले में सफाई व्यवस्था देखी और बैकलाइन का निरीक्षण भी किया। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सफाई को लेकर मोहल्ले के वासियों से फीडबैक लिया। सड़कों के किनारे की झाड़ियों की सफाई करने के निर्देश दिए। बरसात के सीजन को देखते हुए नालियों की सफाई को निरंतरता में लाने के लिए कहा और सघन बस्तियों में नाली सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। कई स्थानों पर दीवारों में उन्हें पॉम्पलेट और पोस्टर चिपके हुए मिले। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के पोस्टर व पॉम्पलेट चिपकाने वालों को नोटिस जारी करें। वहीं उन्होंने जुर्माना भी लगाने की बातें कही। उन्होंने पाया कि बेतरतीब तरीके से सार्वजनिक स्थानों में बिना अनुमति के कहीं भी पोस्टर एवं पॉम्पलेट आदि प्रचार सामग्री लगा दी जाती है, जिससे सालों साल ऐसे पोस्टर और पॉम्पलेट चिपके हुए रहते हैं, जिन्हें वापस निकालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं शहर की स्वच्छता और सुंदरता पर भी दाग लगता है। एक बार इन्हें लगाने के बाद वह इन्हीं स्थानों पर काफी समय तक लगे हुए रहते हैं और दिखने में खराब लगते हैं। निगम आयुक्त ने कहा कि जोन कमिश्नर निरीक्षण के दौरान ऐसे सभी प्रचार सामग्रियों को जो सार्वजनिक स्थलों पर बेतरतीब तरीके से और अवैध तरीके से लगे हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी करें और उनसे जुर्माना भी वसूल करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।